जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करेंगे करवा चौथ के लिए क्या करें पति पत्नी के संबंध हो जाए मधुर, या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के यानी पति और पत्नी के संबंधों के बीच में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, या छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, आर्ग्यू हो सकते हैं, एक दूसरे की बात से असहमति हो सकती है, या जीवन में इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कहते हैं लव इमोशन का कम होना, यानी कि पति का पत्नी के प्रति प्रेम और पत्नी का पति के प्रति प्रेम यदि कम है तो क्या करना चाहिए। करवा चौथ के दिन ऐसा क्या उपाय कर लें जिसकी समस्या ही खत्म हो जाए, कि हमारे बीच में जो समस्या चल रही थी यानी पति पत्नी के बीच में जो समस्या इतने समय से चल रही है उसका समाधान एक छोटे से उपाय से हो जाएगा। इस पूरे वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो मैं एक ऐसा महा उपाय बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके जीवन में चल रही पति पत्नी से संबंधित समस्या या आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आ गई है तो क्या करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस उपाय का लाभ अपने जीवन में लेके आए। हम जनरली आपने देखा होगा एक मन में धारणा रहती है कि उपाय करते हैं हम, पूजा करते हैं हम, बात करें करवा चौथ की तो सुहाग यानी अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को और इस पूजा को जाना जाता है। अखंड सुहाग के साथ साथ पति पत्नी के बीच में लव इमोशन को क्रिएट करने के लिए हर वर्ष ये मनाया जाता है, ऐसा भी माना गया है। लव इमोशन का मतलब कि एक दूसरे के प्रति केयरिंग रहना, यानी कि एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि रखना। हम बात करें करवा चौथ के लिए तो ये सारी चीजें एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रहती हैं, लेकिन किसी भी वजह से यदि आप दोनों के बीच में कोई भी समस्या चल रही है तो उसका निश्चित रूप से निवारण होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर ये एक गंभीर समस्या बन सकती है। क्या करें ऐसा, पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आप एक छोटा सा महा उपाय करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में एक वर्ष से पूर्व ही यानी कि इस करवा चौथ पे यदि आपने ये उपाय किया तो आने वाले अगले करवा चौथ तक ये उपाय आपके जीवन में चल रही समस्या समाप्त कर देगा। क्या करना चाहिए, आपको बस एक पेपर लेना है, एक सफेद रंग का खाली पेपर ले लीजिए आप कोई भी, और लाल रंग का पेन ले लीजिए आप, और उस पेन से उस पेपर पर अपनी समस्या लिख दीजिए। आपकी जो भी समस्या चल रही है, घर में कलेश से संबंधित समस्या है, प्रेम से संबंधित समस्या है, या आपके विचार से संबंधित समस्या है, या इसके अलावा भी पति पत्नी में कोई और मतभेद है उसको लेकर समस्या है, आप उस समस्या को उस पेपर पर लिखिए और समस्या को पेपर पे लिखकर अलग रख दीजिए। अब क्या करना है, अब एक दूसरा सफेद रंग का पेपर ले लीजिए खाली और लाल रंग के पेन से उस समस्या का समाधान लिख दीजिए जो आपके अनुसार समाधान होना चाहिए, या आपकी जो इच्छा है उस समस्या को लेके वो आप उस दूसरे पेपर पर लिख दीजिए। ये दोनों चीजें लिखने के बाद करवा चौथ के दिन जब आप व्रत में होंगी और उस दोनों पेपरों को लेके एक ऐसे मंदिर चले जाइए जो शिव मंदिर होना चाहिए, जहां पर शिव परिवार पूरा होना चाहिए, यानी कि कार्तिकेय भी होने चाहिए, गणपति भी होने चाहिए, महागौरी भी होनी चाहिए और भगवान शिव भी होने चाहिए, यानी कि ये चारों होने चाहिए। यदि एक साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हैं तो अलग अलग भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिव परिवार पूरा होना चाहिए। अब आपको करना यह है कि वहां पर शिव परिवार के पास जाकर आपको, यानी कि जहां ये मूर्ति लगी हुई है, शिव परिवार बैठा हुआ है, वहां पर जाके आपको दोनों पेपर अपने रख देने चाहिए और हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करना चाहिए, हे माता महागौरी, हे भगवान शिव, मेरे जीवन में या मेरे दाम्पत्य जीवन में जो समस्या चल रही है उसका ये समस्या है और ये समाधान है, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। थोड़ी देर आप प्रार्थना वहां करिए, जो मन में आपके मंत्र आए, चाहे ओम नमः शिवाय या माता गौरी के लिए या माता का कोई मंत्र आए वो भी आप कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप कर सकती हैं, और फिर उसके बाद में जिस पेपर पर आपने उस उपाय को लिखा था यानी कि अपनी समस्या का समाधान लिखा था, एक पर प्रश्न लिखा है एक पर समाधान लिखा है, तो जिस पर प्रश्न लिखा है वो वहीं छोड़ दीजिए और जिस पर समाधान लिखा है उसको अपने घर ले आइए
और तिजोरी में लाकर रख दीजिए। इस महा उपाय को करते ही आपके जीवन में चल रही समस्या निश्चित रूप से दूर होने लगेगी और पति पत्नी के जीवन में चल रही समस्या इस करवा चौथ के बाद समाप्त होने लगेगी। जय श्री श्याम।